हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो या तो आप गुड़ की खीर बोल सकते हो या फिर खरना वाली खीर बोल सकते हो। खरना वाली खीर मतलब जो छठ पूजा के टाइम में बनती है वो वाली खीर, और नहीं तो इसे हम तस्मई के नाम से भी बोलते हैं। तो तस्मई के नाम से इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गुड़ वाली खीर बनती है। तो हमने यहाँ पे छठ पूजा के टाइम में जो खीर बनी थी उसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छठ पूजा की खीर वाली तस्मई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिए हैं और यहाँ पे गोविंद भोग चावल लिए हैं। गोविंद भोग चावल से बहुत ही अच्छी खीर बनती है। वैसे यहाँ पे हम अड़वा चावल या फिर खुदी चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे गोविंद भोग चावल लिया है जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी वाली होती है। तो हमने यहाँ पे गोविंद भोग चावल 1/2 kg के हिसाब से लिया है। चावल को हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है, यहाँ पे कुछ कीड़े वेड़े नहीं थे। और चावल के बाद हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, और गुड़ की क्वांटिटी भी हम 500 ग्राम मतलब 1/2 kg के हिसाब से ही लिए हैं। तो हमारी जितनी चावल है उतने ही गुड़ है। तो हमने यहाँ पे ये ढीला वाली गुड़ लिए हैं। ये गुड़ मार्केट की बहुत ही फ्रेश और अच्छे ताजी गुड़ है। तो ये रही हमारी गुड़ वाली छठ पूजा की खरना वाली तस्मई बनाने की रेसिपी। ये तीनों चीज से चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और एक स्पेशल बात, ये खीर हम लोग यहाँ पे पीतल के हंडी में बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पीतल के हंडी में बनती है। और वैसे ये छठ पूजा का वीडियो है, तो छठ पूजा में पीतल वाली हंडी में ही ये तस्मई बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमने जो ढेले वाली गुड़ लिए थे इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो गलने में बहुत ही आसानी से गल जाती है, ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि गोविंद भोग चावल बहुत जल्दी ही सिंक जाते हैं, इसलिए हमने गुड़ को भी छोटे छोटे बाइट में कर लेंगे। तो देखिए, हाथों की मदद से हमने सारे गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ये थोड़ी हार्ड है इसलिए हमें दोनों हाथों की मदद लेनी पड़ रही है। तो ऐसे ही देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में हम सारे गुड़ को कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी गुड़ को अच्छे से तोड़ लिया है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस वाइट बना लिए हैं सारे गुड़ को। ये गुड़ इसलिए किए हैं क्योंकि हमारी चावल बहुत जल्दी ही सिंक जाती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी गुड़ रेडी हो गई है। अब हम चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को हमने एक बार अच्छे से देख लिया था, चावल हमारी बहुत अच्छी फ्रेश है। तो चावल को चलिए हम एक बार धो लेते हैं, 2-3 पानी अच्छे से वॉश करेंगे ताकि अगर पाउडर वगैरह अगर चावल में होगा तो अच्छे से धुल के निकल जाएगा। तो देखिए, चावल को हमने धो लिया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। और खीर हम यहाँ पे कोयले के सिगड़ी पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कोयले की सिगड़ी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम पीतल के हंडी चढ़ाएंगे। तो देखिए, पीतल की हंडी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो हंडी जब तक गर्म हो रही है तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए, हंडी हमारी अच्छे से गर्म होके रेडी हो चुकी है। अब हमने जो दूध रखा था उसे अब हम हंडी में डाल देंगे। तो ये दूध हमारी प्योर दूध है, इसलिए हम यहाँ 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जिस कटोरे में हमने दूध रखा था उसी कटोरे में हमने 1.5 कप के हिसाब से पानी भी डाल दिए हैं दूध में। तो देखिए, हमने यहाँ पे पानी ऐड कर लिए। अब दूध में हमें एक बड़ी सी उबाल आने की वेट करनी है। तो देखिए, दूध में हमारी अच्छे से उबाल आ चुकी है, यानी दूध हमारी रेडी है। अब हमने जो चावल धो के रखा था उसे हम दूध में डाल देंगे। तो देखिए, धीरे धीरे करके हम दूध में चावल डाल देंगे। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। लगातार इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमारी दूध बहुत ही गाढ़ी है और ये गोविंद भोग चावल है, तो ये ज्यादा देर तक ना चलाएंगे तो गिर सकता है, इसलिए कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही ये चावल बनके खीर में रेडी हो जाएगी। तो देखिए, कंटिन्यू ऐसे ही हम चलाते रहेंगे खीर को।
देखिए 5 मिनट बाद हमारी खीर कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। आप यकीन नहीं करोगे इतनी अच्छी गाढ़ी खीर बन के रेडी हो गई है बस 5 मिनट 10 मिनट बाद। तो देखिए फिर इसे हम उस टाइम से अभी तक कंटिन्यू ही चला रहे हैं। इसे कच्ची को रोकनी नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकती है, नहीं तो जो बहुत जोरों की उबाल आके खीर गिर भी सकती है। तो हमने यहाँ पे उंगली की मदद से चावल देखा तो चावल हमारी बन के रेडी हो गई थी। अब हम यहाँ पे जो हमारे टुकड़े छोटे छोटे गुड़ के थे उसे हम खीर में डाल देंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हमने खीर में गुड़ को डाल दिए हैं और इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए गुड़ वाली तस्मई बनके हमारी रेडी हो गई है। अब ऐसे ही लगातार चलाएंगे क्योंकि हमने छोटे छोटे टुकड़े तो गुड़ के किए थे लेकिन इसे चलानी है ताकि ऐसी कलर आ जाए। देखिए आप खुद देख लीजिए खीर की कलर कितनी अच्छी बन के आई है और खीर हमारी ये बन के रेडी हो गई। गुड़ डालने के 2-3 मिनट बाद ही खीर को ढक के उतार देंगे और ये रही हमारी खीर बन के रेडी। तो ये रही प्योर दूध वाली गोविंद भोग की गुड़ वाली खीर, या फिर आप इसे तस्मई के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी रस्सेदार हमारी खीर बन के रेडी हो गई है। तो ये खीर की रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडी हो गई हमारी ये छठ पूजा वाली तस्मई वाली खीर।